तुम्हें मैं आदर्श ईंधनों के कुछ गुण बताती हूँ। सबसे पहले तो इसका ऊष्मीयमान अधिक होना चाहिए। ऊष्मीयमान? अब यह क्या होता है? किसी ईंधन की 1 किलोग्राम मात्रा के पूर्ण दहन से जितनी ऊर्जा की मात्रा प्राप्त होती है उसे उस ईंधन का ऊष्मीयमान कहते हैं। इसका मात्रक है किलो जूल प्रति किलोग्राम, और जिस ईंधन का ऊष्मीयमान जितना अधिक होगा वह उतना ही बेहतर ईंधन होगा। जैसे कोयले का ऊष्मीयमान है 25,000 से 33,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम, और एलपीजी का ऊष्मीयमान है 55,000 किलो जूल पर किलोग्राम। तो किस ईंधन का ऊष्मीयमान अधिक है? एलपीजी का। समझा, इसीलिए हम घरों में एलपीजी का प्रयोग करते हैं, कोयले का नहीं। हाँ, और हमें उस ईंधन का प्रयोग करना चाहिए जिसका पूर्ण दहन हो और जलने पर कोई अवशेष ना छोड़े। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ईंधन जलने पर कम से कम प्रदूषण फैलाए। मैं समझा नहीं दीदी। प्रयास, लकड़ी, कोयला और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन जब पूरी तरह से नहीं जलते तो कार्बन कण छोड़ते हैं जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं, और इनका अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है जो एक विषैली गैस है, और बंद कमरे में इसकी अधिकता से मृत्यु भी हो सकती है। अधिकांश ईंधन के दहन पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और वातावरण में इसकी मात्रा अधिक हो जाने के कारण ही विश्व उष्णन यानी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। कोयले, डीजल और पेट्रोल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। सल्फर और नाइट्रोजन के यह ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं जिससे अम्लीय वर्षा होती है जो फसलों और इमारतों को नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए तो CNG के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। तभी हम अपनी कार में भी CNG का ही प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, अब तो तुम्हारी सारी शंकाओं का समाधान हो गया। क्यों? हाँ दीदी, और मैं यह भी समझ गया कि हमें ईंधन का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए जिससे कोई हानि ना हो। वेरी गुड।